मैं क्या बोलूं, आपने रोका है, आप बोलिए। ये मिस्टर काटकर कहाँ मिलेंगे? हाँ, यहाँ से 3 ऑफिस दूर प्लॉट नंबर 413, वो ऑफिस है पाटकर जी की। लेकिन वो तो जानवर के डॉक्टर, आपका वहाँ क्या काम, क्यों, वाह? पाटकर नहीं, काटकर। हाँ, मैं सपना हूँ। प्यार अपना है इतनी जल्दी? अरे तो फिर दूर क्यों खड़ी हो, कम क्लोज हग। सपनों की रानी, एक्सक्यूज्ड, मेरे सपन। यस, आई एम सपना। सपना तो देखा जाता है, आप तो रानी हैं, मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी? मैं कमिन सर। हो ही नहीं सकता, मेरा सपना इतना सुंदर हो ही नहीं सकता जी। मेरे सपने में तो मेरी भयानक बीवी, मेरे चिरकुट दो साले और उनका भयानक बाप आते हैं, जिन्हें देखकर मैं डर के उड़ जाता हूँ। सर, मेरा नाम सपना है, सपना गाडगिल। ओह, तभी तभी मैं सोचूं कि ये सपना जो है मेरा अपना क्यों नहीं है। देखिए, मैं ऑलरेडी बहुत ट्रबल में हूँ और आप अपनी ट्रबल से वैसे मुझे ट्रबल में मत डालिए। सॉरी, बैठिए ना प्लीज, बैठिए बैठिए। कहिए क्या ट्रबल है? आप ट्रबल शूटर हैं? अय्या, इसीलिए मैं अपनी ट्रबल आपके पास लेकर आई। मेरा एक बॉयफ्रेंड है और उसकी मेरे साथ लड़ाई हो गई। क्यों? उसे लगता है कि मेरा किसी और लड़के के साथ अफेयर है। तो ये ट्रबल है आपकी। हाँ, मेरी एक एडवाइस है कि आप अपने उस बॉयफ्रेंड को छोड़ दीजिए। वही तो प्रॉब्लम है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ सकती। नहीं नहीं, आप समझी नहीं, आप उस बॉयफ्रेंड को छोड़ दीजिए जिसके साथ आपका अफेयर चल रहा है और जिस पर आपके बॉयफ्रेंड को आप पर शक है। देखिए, मेरा कोई दूसरा अफेयर ही नहीं है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है अजय, उसे मुझ पे शक है कि मेरा किसी के साथ अफेयर है, सिर्फ शक है। ओह, तो आपको शक है अपने बॉयफ्रेंड पे? मेरा मतलब है कि आपके बॉयफ्रेंड को आप पर शक है कि आपका दूसरा बॉयफ्रेंड है। गॉट इट, आपके बॉयफ्रेंड को शक है कि आपका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है, राइट? राइट। तो एक काम कीजिए, रोमा और रीमा से मिलिए और अपने बॉयफ्रेंड की डिटेल दे दीजिए। देखिए, मैं अपना केस किसी असिस्टेंट को नहीं दे सकती। असिस्टेंट? वो तो सिर्फ केस लेंगे, सुपरविजन तो मेरा होगा, डोंट वरी। आप करेंगे? यस, आप जरा करीब आइए, आप समझी नहीं। इट्स ओके, मैं उन्हीं से बात कर लेती हूँ। ओके, उन्हें फोन कर लीजिए। ओके। हेलो सपना। हाय, बैठो ना। थैंक यू सो मच। तो सपना, आपकी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और वो मुझ पे बहुत शक करता है। सपना, ऐसे आदमी को तो छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत हैंडसम है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। इनफैक्ट मैं आप लोगों के पास इसीलिए तो आई हूँ ताकि आप मेरी मदद कर सके। सपना, एक्चुअली मैं समझ सकती हूँ। यू नो व्हाट रोमा, जब ना गधे से प्यार हो जाता है ना, तो हमें ना वो जो शेर है ना, वो भी अच्छा नहीं लगता। ओह यस। हाँ, मैं तेरी बात समझ गई रीमा। सपना, तुम्हारी हालत उस धोबी की तरह है जिसे अगर गधे से नफरत भी हो जाए ना, तो वो कपड़े उठाने के लिए घोड़ा नहीं पाल सकता। हाँ, और फिर तुम्हें तो गधे से प्यार है। नहीं नहीं, वो गधा थोड़ी ना है, वो तो बहुत प्यारा है। मैं समझ सकती हूँ, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। कंट्रोल कंट्रोल सपना। कल तुम अपने बॉयफ्रेंड को ना हमारे ऑफिस भेज देना। ओके, मगर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मिल जाएगा ना? 100%। क्या हुआ? पापा, आपसे ना एक छोटा सा काम था। बाद में।
अभी मैं ये क्या बना रहा हूँ? ये क्या? वही खाता? हाँ। पापा, मानिए मानिए, अगर हमारी मम्मी आपसे रूठकर मायके चली गई तो आप क्या करेंगे? बेटा, मुझे ऐसे सुहाने सपने मत दिखाओ। अब ऐसी खुशियां बर्दाश्त करने की मेरी आदत नहीं रही है। पापा, लेकिन हमारी मदद कीजिए ना प्लीज। हाँ पापा, हाँ पापा। सुनो सुनो सुनो, पहले अपनी मम्मी को मायके भेजो, उसके बाद तब मैं बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। कैसे क्या करेंगे? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। मुझे नहीं पता क्या करें, सोचो ना यार। लेकिन अगर हमें कुछ पता नहीं चला तो हम सपना का केस का इलाज कैसे ढूंढेंगे? इलाज? अच्छा, क्या कह रही हो तुम? नहीं मम्मी, वो क्या है ना, आपसे एक छोटी सी बात पूछनी थी। हाँ मम्मी, मानिए कि अगर पापा आप पर शक करे हाँ, कि आपका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, तो आप पापा को ये यकीन कैसे दिलवाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है? पहले वो शक करे, फिर मैं उन्हें दिखाऊंगी। उल्टा मुझे उन पे शक है। वो निशी जी है ना? हाँ? उनकी बड़ी तारीफें करते हैं आजकल। ये यही है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो निखिल और अखिल हमारे भाई हो जाएंगे। अरे ऐसा कैसे होगा, इससे पहले मैं उनकी जान न ले लूं। रोमा, हाँ? हम तो सपना का केस सॉल्व करने चले थे। हाँ। और हमारे घर में सपना जैसा केस चल रहा है। निखिल, हाय हाय। लो, पापा आपसे एक बात पूछनी थी। सब्जी कैसी है मत पूछना। नहीं पापा, सब्जी के बारे में नहीं पूछनी। पापा, अगर आपको पता चल गया कि मम्मी का किसी से इश्क चल रहा है, अगर, तो आपको ये कैसे विश्वास दिलाया जाए कि ये सही नहीं है? मुझे विश्वास दिलाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? देखो बेटा, एक बात समझ लो, जो औरत इश्क को इश्क बोलती हो उसे किसी से अफेयर नहीं हो सकता, समझे? अरे तुम्हारे पापा कहाँ चले गए? मम्मी, पापा का खाना हो गया। अरे मैंने तो इतने शौक से शकरकंदी का हलवा बनाया था, कम शक्कर वाला, इतने शौक से खाते हैं वो। वो हलवा जाने दो ना मम्मी। हाँ मम्मी, आपसे एक बात पूछनी थी। रहने दे निखिल। क्यों? पापा ठीक कह रहे थे। क्या कह रहे थे पापा? नहीं, पापा कुछ भी नहीं बोल रहे थे। चल चल चल। अच्छा मम्मी। अरे हाँ, ना जाने ये दोनों भी कहाँ चले गए। निखिल, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम अजय और सपना को कैसे मिलाएं। लो, हो गई तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। कैसे? अरे अभी अभी तुम कह रही थी ना कि अजय और सपना को कैसे खिलाएं, तो राजा राम को कहते कि भाई एक एक टिफिन उन लोगों के लिए भी ले लेना। नहीं निखिल, मैं उनका पैचअप करने के बारे में बोल रही हूँ। आपका टिफिन रिफ्रेशमेंट रूम में रख दिया। सुनिए 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 राजा राम जी, वो सब ठीक है, लेकिन आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। राजा राम जी, आपकी शादी हो गई है? हो गई। अच्छा एक बात का जवाब दो, जब तुम्हारी बीवी तुम पर शक करती है तो तुम उसे कैसे विश्वास दिलाते? विश्वास? हाँ कैसे? मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ता हूँ। ये सब उधर उधर, ये सब उधर, पकड़ो ना। ये पकड़ो। पकड़ता हूँ, पकड़ो, पकड़ने दो। बीवी का हाथ पकड़ता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ,
कि मैंने डिब्बे में से रोटी नहीं खाई है, मैंने खाने के डिब्बे में से रोटी नहीं खाई है। डिब्बे में से रोटी नहीं चुराई? मेरी बीवी को शक है कि मैं हर डब्बे से खाना चुरा कर खाता हूँ। अरे राजा राम, जब बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ये काम कर रहे हैं तो तुम्हें गाना चुराने की क्या जरूरत है? ये जो तुम्हारे माँ बाप ने हजारों रुपए की मशीन खरीद के दिए, बेकार है, एकदम बेकार है। अरे इससे बढ़िया तो 400-500 रुपए का एक वॉकमैन खरीद के दे देते ना। क्या कह रहे हैं? तो जो आधा सुनता है ना वो पूरा नहीं सुन पाता। राजा राम जी शांत हो जाइए, नाराज क्यों हो रहे हैं आप? हम लोग तो सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि क्या आपकी बीवी ने कभी आप पर शक किया है? हाँ। कि आप किसी और से प्यार करते हैं? हंस क्यों रहा है? और अगर हंस रहा है तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? राजा राम जी, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अगर मेरी बीवी को ये पता चल जाए कि मेरा किसी के साथ चक्कर है, मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा होता। टिफिन रखा है बस। हाँ, बात तो इसने पते की है, पर ये चला गया। अब क्या करें निखिल? तुम क्यों टेंशन लेती हो रोमा? एक बार अजय को आ जाने दो, अखिल और मैं सब कुछ संभाल लेंगे। ऐसे संभाल लेंगे, आने तो दो अजय को। अब मैं चलता हूँ। इसी बात का तो डर है, तुम संभालोगे तो पता नहीं क्या कर डालोगे। देखिए मिस्टर अजय, सपना एक अच्छी लड़की है, आपको उस पर शक नहीं करना चाहिए। आप लोग जानते नहीं है, देर रात तक उसे फोन आते रहते हैं। जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो वो फोन करके पूछते हैं कि आप कहाँ हो, घर कब आओगे। पर ये इसलिए भी तो हो सकता है कि वो आपसे बहुत प्यार करती हो, प्यार करती हो। इसलिए भी तो हो सकता है कि घर में उसके साथ कोई रहता हो। ओह, समझ गया। मतलब आपको शक है कि सपना जी का किसी फॉरेनर के साथ अफेयर चल रहा है। नहीं तो क्या? नहीं तो अभी अभी तो आपने कहा कि ये भी हो सकता है कि उसके साथ घर में लुई रहता हो। अबे कोई लुई नहीं, कोई तेरी मशीन का घर रह गई। तू घर चल, मैं तुझे बताता हूँ। देखिए, इस कॉन्वर्सेशन का कोई अंत नहीं है। मैं आप लोगों को एक बेटर डील देता हूँ। बेटर डील? कैसी डील? आप लोग ये पता करके बताइए कि सपना का किसके साथ अफेयर है। मैं आप लोगों को मुंह मांगी रकम दूंगा। सर, वो मिस्टर संजय ने अब तक फीस नहीं भिजवाई है। नहीं भिजवाई है तो भिजवाओ। हाँ, हाँ? मेरा मतलब है मंगवाओ। हाँ, हाँ, ओके सर, ओके सर। और हाँ सर, अभय साहब का केस अब तक पेंडिंग है, वो सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों सॉल्व नहीं हुआ है? अब तक क्यों सॉल्व नहीं हुआ है? मुहूर्त निकलवाना है, सत्यनारायण की पूजा करवानी है, फिर सॉल्व करोगे? नहीं सर, वो... सर 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 सर, वो अजय को समझाना बहुत ही मुश्किल है सर। अब ये अजय कौन है? सर, वो सपना का बॉयफ्रेंड। सपना? सपना कौन? सर, वो अजय की गर्लफ्रेंड। सर, मेरा मतलब है वो ही सर जिसके बॉयफ्रेंड का केस हमने लिया है, वो। सपना, अभी याद आया, इस केस को तुमने अपनी लिस्ट में तो इंक्लूड नहीं किया। ये केस भी कहाँ खत्म हुआ है? चुप। मैं क्या प्रॉब्लम है उसे? सर, वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। सर, तुम दोनों है ना मेरे किसी काम के नहीं हो। एक काम नहीं होता तुमसे, तुम दोनों नहीं, तुम चारों मेरे किसी काम के नहीं हो। तुम लोग है ना मेरे लिए अलकायदा हो, अलकायदा, नॉट अलफायदा, अलकायदा। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। सर, वो अजय है ना, वो हमको एक बहुत अच्छी डील देने को तैयार है सर। डील? कैसी डील? सर सर, वो खील नहीं सर, सर डील होती है ना, डील सर। वो इसके कान में ये फुंतरू डाल दे, नहीं तो कील ठोककर इसे परमानेंटली बिठा दूंगा। सर, मैं बताता हूँ सर। सर, उसका कहना ये है कि अगर हम सपना के बॉयफ्रेंड को ढूंढ कर लाएंगे तो वो हमें मुंह मांगी रकम देगा। सर, सपना का बॉयफ्रेंड तो वही है ना, अब है नहीं, नहीं, संजय। अजय? अजय, अजय, अजय। सर, पर वो सपना के नए बॉयफ्रेंड का पता लगाने के लिए कह रहे हैं सर। नहीं 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 नहीं, ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है। सपना का केस पहले हमारे पास आया था, पहले हम ये प्रूव करेंगे कि सपना का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उसके बाद अगर ये हमें डील देना चाहता है तो उसकी डील लेंगे और प्रूव करेंगे कि सपना का कोई नया बॉयफ्रेंड है। लेकिन सर, अजय को समझाएंगे कैसे? तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। वो तो सर सही है, उसे अब मैं समझाऊंगा। कहाँ है वो? सर, कॉन्फ्रेंस रूम में। सर, कॉन्फ्रेंस रूम। अभय, अभय, अब यहाँ हो।
ए कहाँ खो गए हैं, समय को देख रहे हो? हाँ बैठो 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 सिट सिट सिट। हाँ देखो बेटे, तुम दोनों को इस तरह झगड़ते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या करें सर, आंखों देखी मक्खी निकली भी तो नहीं जा सकती। वो तुमसे मक्खियां निकलवाती है? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं सपना के साथ और नहीं रह सकता। देखो सपना पे शक मत करो, अरे सपना ने ही तो मुझे बताया कि वो विजय से बहुत प्यार करती है। इसके बावजूद भी आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उस पर शक ना करूं? हाँ, क्योंकि जो लड़के खुद अपने मुंह से कहती है कि वो सारी जिंदगी संजय से गुजारना चाहती है, उस पर तुम शक कैसे कर सकते हैं? आप सच कह रहे हैं सर, अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब उसने खुद ही कह दिया तो यकीन तो करना ही पड़ेगा। हाँ और नहीं तो क्या। एक बात बताइए सर, उसके बॉयफ्रेंड्स हैं कितने? सबसे ज्यादा तो एक ही नाम का रटन करती रहती है, अभय 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 अभय। मुझे पता था सर, मुझे पहले से ही पता था। तुम्हें इस तरह खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुशी के आंसू, आय हाय हाय हाय, ये आंसू बहुत कीमती होते हैं, इन्हें सीपीयू में डालकर मोती मत बनाया करो। वाह। हाँ सर, आज मैं बहुत खुश हूं, आपने मेरा ट्रबल सॉल्व कर दिया। मैं वादे के मुताबिक मुंह मांगी फीस दूंगा आपको। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, आपने मेरी आंखें खोल दी। यस yes. मैं आपकी फीस कल ही भिजवा दूंगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ये क्यों फीस भिजवाएगा? सपना का केस हमने सॉल्व किया है तो। अरे आप दोनों जन एक होने वाले हैं तो ये फीस दे या वो क्या फर्क पड़ता है? Oh, yeah! शाबाश शाबाश मिस्टर काटकर, आपने एक ट्रबल शूट कर दी। ठीक है सर, सर आग लगी, सर आग लगी, सर आग लगी, आग नहीं लगी है ये, अगरबत्ती जलाई है मैंने। आग लग गई, आग लग गई। क्या है क्या है? ये नहीं सर, उस सपना का फोन आया था सर, वो आ रही है। उसे तो आना ही था, फीस जो देनी है। सीखो सीखो, मुझसे कुछ सीखो, केस को कैसे सॉल्व करते हैं मुझसे सीखो। नहीं सर, आपको याद नहीं है सर, उसका बॉयफ्रेंड आपको याद नहीं है, वो कैसे यहाँ से रोते हुए गुस्से में गया था? वो अपने आप से गुस्सा कर रहा होगा कि मैंने इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की पर डाउट किया, शक किया। सर कमाल कर दिया आपने। अरे कमाल तो हम हर रोज करते हैं, हमारी कमाल देखी आज तुमने। हमने कहा था ना हम तुम्हारा काम कर देंगे, कर दिया ना। मुझे आप लोगों के काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। अच्छा हाँ, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ आपने जो अजय को शॉक ट्रीटमेंट दिया है ना, उसके कारण वो मेरे पास वापस आ गया। रोमा हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट देकर ट्रबल दूर करते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक नहीं, मेंटल शॉक। आप क्या बोल रही हैं, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ ना, पहले उसे शक था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मगर अब उसे यकीन हो गया है कि मेरे एक नहीं चार चार बॉयफ्रेंड्स हैं। अरे पर इससे तो बात और बिगड़नी चाहिए। हाँ? नहीं, इसी से तो उसे मेरी इम्पोर्टेंस समझ में आई है कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरे कितने दीवाने हैं। यानी कि हमने तुम्हारा काम कर दिया। सपना कभी तो होगा अपना। ये लीजिए आपकी फीस। थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम एनी टाइम। रोमा ऑफिस में पैसे आए, पैसे आए। सबको बता दो, सबको बता दो कि हर आदमी को बोनस मिलेगा। कितने महीने का सर? महीने का नहीं, शायद एक दिन का। ओके सर। एक मिनट, ये तो बहुत हल्का है, शायद एक घंटे का। ओके सर। <सा। laughs>
नहीं दूंगा। दुनिया तो टुकड़ों की नदियां, सब डूबे मझधारे, एक हंसी की नाव मिले तो सुख के मिले किनारे। खाने को धोके ही धोके, खाने को धोके ही धोके, पीने को गम है ना, ऐसे में बस आओ गाय।